ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर ने 19 दिनों में ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर साल की सबसे बड़ी फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है। वॉर ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए बल्कि इतिहास भी रच दिया है। बता दें कि वॉर इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धमाल मचा रही है। खास बात तो ये है कि ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर भी वॉर 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। वॉर ने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर अब तक 91 करोड़ 58 लाख रुपए की कमाई की है, जिसकी जानकारी हाल ही में ट्रेड एक्सपर्ट तनन आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। बता दें कि सलमान खान की सुल्तान और टाइगर जिंदा है के बाद वॉर यशराज फिल्म्स की तीसरी फिल्म है जो 300 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है, जिसकी जानकारी भी तनन आदर्श ने ट्वीट करके दी है। वॉर इज 300 नॉट आउट, यशराज थर्ड फिल्म टू क्रॉस 300 करोड़ आफ्टर सुल्तान एंड टाइगर जिंदा है। हिंदी वीक 3 फ्राइडे 2.80 करोड़, सैटरडे 4.35 करोड़, संडे 5.60 करोड़, टोटल 287.90 करोड़, इंक्लूडिंग तमिल एंड तेलुगु 301.75 करोड़। बता दें कि टाइगर और ऋतिक की जोड़ी को साथ पर्दे पर देखने के लिए लोगों में काफी क्रेज था, जो कि फिल्म की कमाई देखकर पता भी चल रहा है। बात करें फिल्म वॉर की कहानी की तो ये फिल्म कबीर यानी ऋतिक रोशन और खालिद यानी टाइगर श्रॉफ की है। फिल्म में हालत कुछ ऐसे बनते हैं कि गुरु और शिष्य एक दूसरे से टकराने पर मजबूर हो जाते हैं। फिल्म में दर्शकों को बेहद ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। ऋतिक और टाइगर की जोड़ी ने पहली बार में ही दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म को मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म इतनी आसानी से थिएटर से नहीं उतरने वाली है। हालांकि अगले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 3 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। इसमें वॉर आने वाले दिनों में अपना जादू कायम रख पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। टाइगर, रिकॉर्ड की बात करें तो कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी होते हैं लोग दूसरे की तोड़ते हैं, कुछ रिकॉर्ड खुद की भी तोड़ते हैं। तो रिसेंटली आपने बागी 2 का बिगेस्ट ओपनिंग आप वॉर से देखे, आपने बागी 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, खुद का रिकॉर्ड, क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत मतलब ऑब्वियसली खुशी की बात है, और ख़ासकर क्योंकि ये कुछ आई थिंक इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ है, यू नो सच अ बिग ओपनिंग। सो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट रिकॉर्ड। और जैसे मैं कह रहा था सर, हम लोग यू नो उम्मीदें दिमाग में नहीं रख रहे थे। हम लोग बस हर शॉट, मेरे लिए खासकर चैलेंज ये था कि मेरे सामने ऋतिक रोशन खड़े हैं, तो मुझे अपना बेस्ट देना था हर शॉट, और उनको यू नो टक्कर नहीं कहूँगा पर ये कहूँगा कि मुझे बस अपना बेस्ट देना था उनके सामने, और उनको सही से मतलब क्यूज रिएक्शंस देने थे, बस उससे ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं थी। या ऋतिक या ऋतिक टाइगर सिद्धार्थ एंड वाणी। See, therefore, yesterday I saw the film. The moment I was into the screening started here as such, to war film dekh raha tha, then I was at war with myself, ke whom to watch, Ritik or Tiger. Aapke jo that motorbike sequences, especially those sequences in the ad in the car at the Arctic Ocean, wherever you shot that film, it was mind-boggling. Aur ye mujhe lagta hai ke sabhi audience ke saath mein ye silsila rehne wala hai. So how was the experience working neck to neck with each other, with such talent of each of you here as such? Well, it was great, yeah. I think if you don't enjoy what you're doing, it is impossible to get the results that you're talking about. So, mere liye it has been, log kehte hain ke, you know, student, mentor, on set, ulta tha. Main seekh raha tha, kyunki I was constantly watching the discipline that he has, the process that he applies, the honesty, the integrity, and no egos. Or kaun seekh raha tha, kaun sikha raha tha, kisi ko nahi pata. Kaun teacher tha, kaun student tha, kisi ko nahi pata. Tiger, about you? I think mere liye jab bhi hum action karte the, you know, we used to always tell each other ki yaar sir, you know, where hum dono dance partners jaise hain, क्योंकि हम जब भी एक्शन करते थे, कॉम्बैट करते थे, इट यूज टू फ्लो सो वेल एंड वी यूज टू हैव ईच अदर्स रिदम एंड हैव ईच अदर्स बैक्स। सो इट वाज लाइक वी आर बेसिकली डूइंग लाइक अ पार्टनर डांस। तो आई थिंक सिद्धार्थ सर भी अग्री करेंगे कि हम लोग मुश्किल से दो दो टेक्स में खत्म करते थे। सिद्धार्थ, हाउ वाज इट एक्सपीरियंसिंग दिस टू जायंट्स इन फ्रंट ऑफ यू? हाउ वाज द एक्सपीरियंस एज फार एज यू आर कंसर्न डायरेक्टिंग? आई थिंक मेरे लिए आई थिंक दे वर जस्ट खालिद एंड कबीर। आई थिंक अगर ये आई वुड लुक एट देम एज ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ, इट वुड बी ओवरवेलमिंग।
But as a director, you have to look at them as your characters. I think that was key, that you don't get overawed. Siddharth, आपके सामने विकास from News Nation. Yeah. जैसे कि मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया था, आपने कहा मैं बहुत जिद्दी हूँ और कभी कभी न्यूयॉर्क भी पूरा अपने गाने के लिए खाली करवा देता हूँ. तो इस फिल्म में क्या जिद्दीपना आपका दिखाई दिया और क्या ये इन लोगों ने उस जिद्दीपन का साथ दिया सभी ने? आई थिंक जिद्दी से मैं पागलपन पे उतर आया. आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट आई वांटेड देम ऑल थ्री ऑफ देम इन फैक्ट फॉर दिस फिल्म, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट. और फिर एक्शन को एक नॉच हायर ले जाने के लिए, फॉर एग्जांपल आप बाइक चेज बहुत फिल्मों में देखते हैं, कार चेज बहुत फिल्मों में देखते हैं, यहाँ पर आपने प्लेन चेज देखा है. और अगर कार चेज देखा है उसको आर्कटिक में देखा है, आइस पर देखा है. बाइक चेज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन पोर्चुगल और हाई स्पीड बाइक चेज ऑन अ माउंटेन, दैट्स व्हाई आई थिंक वो रिएक्शंस मिलता है थिएटर में. आई थिंक एवरीबडी इज ऑन द एज ऑफ द सीट बिकॉज द कर्व्स आर सो डेंजरस, वेरी रिस्की. तो आइडिया था वेदर इट्स इवन टाइगर्स वन शॉट एक्शन इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग वॉज टू पुश देम, पुश द टीम, पुश द प्रोडक्शन, पुश द लोकल लाइन प्रोडक्शन कि मुझे ये चाहिए और ये करना है. आई थिंक तभी जाके आई थिंक ऐसा एक स्पेक्टिकल बन पाया है जिद से. रितिक हाय. वानी एक आपसे भी सवाल था कि कोई ऐसा यादगार मोमेंट जो सबसे यादगार आपके लिए रहा हो फिल्म के दौरान, जिसे आप याद करती हो अभी? आई थिंक द इंटायर पूरा टाइम जितना एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने काम किया इस फिल्म में, मुझे लगता है एवरी सीन, एवरी बिहाइंड द सीन, यू नो द वी शॉट और एवरी सिंगल डे फॉर मी काउंट्स. क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस था और मुझे भी आई थिंक एक नया कैरेक्टर प्ले करने को मिला. सिद्धार्थ एंश्योर्ड कि यू नो ही प्रेजेंट्स मी इन अ वे जो जैसे मैं पहले नहीं प्रेजेंट हुई. एंड द फैक्ट दैट आई वाज वर्किंग विद रितिक, आई थिंक इट वाज फिनोमिनल. ही इज सुपर काइंड एंड ही इज सुपर सुपर स्वीट, यू नो हाउ ही इज. रितिक, रितिक, हाय रितिक. Hi Ritik, this is Ravi from ABP News. Okay, yes, okay. Please, thanks. Ritik, hi. Yes, hi. You have done quite a few action entertainers in the past. Really? Where, yeah. Hardly get to do. Main itni koshish mein rehta hun. This is my favorite kind of film. Milte hi nahi hai mujhe. Of course, you're very... Sun rahe ho? Hello? But of course, you're a very versatile actor, I mean, besides action entertainers. But if you look at war, I mean, you think the portrayal by far has been the best of yours in an action film, and the bar is really raised now. Okay, without taking credit to myself for this, because I give that to my director always, whether I'm good or bad. So the credit of this goes to Sid, but I do agree with you. I feel that what Sid has been able to do and bring out of me through Kabir has been definitely one of my most aspirational, the most satisfying experiences of my life. That's for sure. Yes. That's true. Thank you. Yes, sir. You had a question? Hi, Ritik. This is Ravi from ABP News. Ritik, back to back, आपकी दो फिल्में सुपर हिट हुई हैं. आप बहुत चूजी माने जाते हैं फिल्मों के मामले में. कभी कभी एक साल में एक फिल्म आती, कभी दो साल में एक फिल्म आती रही हैं पिछले कई सालों से. अब क्या इन दो फिल्मों के हिट होने के बाद वो बदलेगा, वो चलन बदलेगा? आप ज़्यादा फिल्में करेंगे या उसी तरह आप ज़्यादा चूजी होकर ही फिल्में करेंगे? ये एक कोइंसिडेंस था कि बैक टू बैक तीन महीने में दो फिल्में आ गई. अब मैं क्या बोलूँ? अब शायद वक्त आ गया है फॉर मी टू बी एट माई इवन बेटर एंड बेस्ट व्हेन आई एम मेकिंग एनी decisions in my life. I am feeling very encouraged, very motivated. So I think I will choose even better films, even better. Lekin usme how much time it takes and all that is not really in my hands. But I promise my best work is yet to come. Whoa! Love it. Hi, Siddharth. One more question to Tiger. Hi, Siddharth. Just a second. Ek second, ma'am. Please, just give us a second.
रवि जी, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन. टाइगर, वन क्वेश्चन टू यू. एक्शन आपका फोर्टे माना जाता है. एक्शन में आप लाजवाब हैं और एक कंफर्ट जोन भी बन गया है कि हर फिल्म में एक अलग तरह का एक्शन आपका देखने को मिलता है. क्या आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बाकी तरह के रोल्स भी ट्राई करना चाहेंगे, या आपके जहन में अब वो प्ले करने लगा है क्योंकि लगभग 5 साल आपको इंडस्ट्री में हो गए? आई थिंक वॉर में जिस तरह मैंने एक यू नो एक कोशिश की, मैंने एक अलग किरदार निभाने के लिए, आई थिंक दिस वॉज लिटिल अनकम्फर्टेबल फॉर मी. एक्शन की बात करें तो I enjoy this genre very much. और मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी थोड़ा अचीव किया है इस करियर में, तो आई थिंक आई क्रेडिट टू माई यू नो द फिल्म दैट आई हैव डन एंड प्राइमरली बींग एक्शन फिल्म ऑफ कोर्स. मेरे जितने भी इंस्पिरेशन रहे हैं, यू नो जैकी चैन से लेकर ऋतिक रोशन तक, सारे यू नो बड़े बड़े एक्शन हीरोज़ हैं. तो यू नो आई एम इंस्पायर्ड टू बी लाइक दैम, इंस्पायर्ड टू डू थिंग्स लाइक दैम. एंड खासकर इस इंडस्ट्री में जहाँ इतना कॉम्पिटिशन है, यू नो माई पियर्स आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क, हाउ डज़ वन स्टैंड आउट, हाउ डज़ वन यू नो क्रिएट एन आइडेंटिटी फॉर हिमसेल्फ. तो बस एक पहचान क्रिएट करना है मुझे खुद को, खुद के लिए, और जस्ट टू बी आइडेंटिफाइड बाय यू सेइंग यू नो दैट आई एम एन एक्शन हीरो, फॉर मी दैट्स मोर देन इनफ रियली. थैंक यू.